तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखकर अपने पशुधन का स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेते रह सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर केमल पाठक जी का रुख करेंगे। डॉक्टर केमल पाठक जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मानसून जैसे ही आता है तो किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब बात पशुपालक की अगर हम करें तो क्या ये उनकी चिंता बढ़ा देता है, और अगर चिंता बढ़ती है तो किस प्रकार से चिंता बढ़ती है, कितना नुकसान का दायरा बरसात के मौसम में पशुधन के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल पुकलित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बरसात का मौसम आता है तो पहले किसान के चेहरे पर मुस्कराहट आती है कि अच्छा मौसम आया है, बढ़िया चारा उत्पादन भी होगा इन दिनों में। तो लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि बरसात जो है अपने आप में खुशी लाती है हमको, हमारी खेती के लिए भी, हमारे लिए भी मौसम भी सुहावना हो जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में जैसे हमारे स्वास्थ्य को भी बरसात कभी कभी प्रभावित करती है अगर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही हमारे पशुपालक भाई और किसान भाई ये बात का ध्यान रखें कि बरसात किस तरह से हमारे पशु को नुकसान न पहुंचा पाए, उनके स्वास्थ्य को किसी तरह से प्रभावित न करे। हमें कुछ ध्यान रखनी चाहिए चीज़ों को जिनकी हम आज चर्चा करेंगे, विशेष रूप से बरसात में जो दुधारू पशु हैं या जो प्रेग्नेंट या ग्यावन पशु हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बस बरसात में चारे का प्रबंधन करना पड़ता है, बरसात में जो पानी है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमारे किसान भाई देख रहे होंगे इस समय जो मानसून है पूरे देश पर छा गया है, हर जगह कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बरसात हो रही है। तो जब बरसात ज़्यादा होती है तो वहाँ पानी में भी संकरण हो जाता है, नदी नालों में उफान आ जाते हैं, पशु जो है कहीं पानी बह न जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, टीकाकरण हो, ये सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे और अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि बरसात में आप अपने पशुपालन, अपने जो पशु हैं, चाहे आपका गाय है, भैंस है, मुर्गी है, बकरी है या सुअर है, इन सबों का, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि पशुपालन में हमारे देश में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल। और जो दूध उत्पादन में एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ पुलकित जी, कि हम सिर्फ एक वर्ष में ही सिर्फ हम पूरे विश्व में नंबर वन नहीं है, पिछले 10-12 साल से जी भारतवर्ष जो है पूरे विश्व में नंबर वन है मिल्क उत्पादन में। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हमारा यहाँ का किसान है, जो हमारे यहाँ के पशुपालक हैं, आज हमारे बीच में एक किसान भाई भी हमारे नरेंद्र जी आए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इन लोगों की वजह से ये अच्छी तकनीकी और जो खासकर दूरदर्शन पे और अलग अलग प्रोग्राम में आपका डीडी किसान पर भी जो है जो जानकारी दी जाती है, तो हमारा किसान उन चीज़ों को पकड़ता है, उनको लेता है। बिल्कुल। और वैज्ञानिक, और मैं एक ही मंत्र बताता हूँ जब भी कार्यक्रम में आता हूँ अपने पशुपालन भाइयों किसान भाइयों को, चाहे खेती करिए चाहे पशुपालन करिए, वैज्ञानिक तरीके से करिए। वैज्ञानिक तरीके से आप करोगे तो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो जाड़ा हो, आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी अच्छा रहेगा। तो बरसात में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे उनके आवाज़ की बात करेंगे हम आज, उनके चारे के बारे में भी आपको बताएंगे, उनको कैसा पानी कब पिलाना चाहिए, और पशु के स्वास्थ्य की, ये तीन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से पशु आपका बरसात के दिनों बीमार नहीं होगा, और जो उत्पादन, क्योंकि इन दिनों एक हरा चारा की उपलब्धता भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसमें भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं अभी बता देता हूँ अपने पशुपालक भाइयों को, हमारे मन में लालच आ जाता है कभी कभी कि हरा चारा ज़्यादा हो गया है तो अपने पशु को हरा चारा ज़्यादा खिला दें, ये गलती कभी मत करिए। पशु को बरसात के दिनों में पूरी तरह से हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। तो क्या करें, उसके लिए ज़रूरी है, उसका एक फार्मूला है जिसको मैं वैज्ञानिक फार्मूला कहता हूँ, कि आप 3 भाग जो है हरा चारा लीजिए और 1 भाग जो है सूखा चारा। हरा चारा जो है 3 भाग होना चाहिए, एक भाग जो है, क्योंकि हरा चारा जो है कभी कभी ज़्यादा मात्रा में अगर आप खिला देते हो पशु को तो उससे दस्त लग जाते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है, और दस्त लग जाने का मतलब आप समझते हो कि पशु के शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो आपको हरा चारा पूरी तरह से 100% नहीं देना है, उसमें 1/3 जो है सूखा चारा या भूसा मिलाना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात में चारा जो कुट्टी है हमारी या हमारा जो भूसा जो हमारे पशुपालक भाई अपने स्टोर में रखते हैं संभाल के, वो भीग जाता है, भीग के उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है, उसमें जिसमें गंदगी आ जाती है उसमें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बरसात में पशु को चारा खिलाएं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की फंगस वगैरह की, फंगस हो जिसको हम हिंदी में फफूंदी भी कहते हैं, हम सब पशुपालन भाई जानते हैं, तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक चीज़ और साथ में यही बता देता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं कि जब, क्योंकि चारों तरफ हमारे गाँव में आसपास जो है इस समय, क्योंकि बरसात हो रही है, बरसात में जो घास है वो खूब अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाती है,
साथ ही साथ चारा भी अच्छा हो जाता है। तो हम पशु को पूरा ये सोचते हैं कि पूरे दिन घास चर के आएगा तो शाम को बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हरी जो घास है जो बरसात के दिनों में ज़्यादा उपज के आती है, पशु उसको ज़्यादा मात्रा में खा लेता है, उससे उसको अफरा हो जाता है। अफरा एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इसमें कभी कभी अगर उसका ध्यान न दिया जाए, और ये अफरे का सबसे बड़ा कारण ये यही होता है कि हम हरा पशु जो है, क्योंकि हरी होती है और पशु के मन में भी एक वो आती है कि मैं इसको ज़्यादा खाऊं, तो अफरा से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, बरसात के दिनों में आवास की व्यवस्था सही होनी चाहिए, बरसात के दिनों में उसका जो चारा है वो प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात भी करेंगे कि बरसात के दिनों में उनके स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से हम अपना और अपने बच्चों का अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, पशुपालक भाइयों के लिए जो पशु हैं उनके, वो भी उनके परिवार के एक सदस्य हैं। बिल्कुल डॉक्टर पाठक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं।